शांति दूध ला रहे तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से दोस्तों मैं भी थोड़ा अच्छा हूं। एक बार फिर से फटाफट के अंदाज में पहुंच चुके हैं क्योंकि जिंदगी जब से मिली है तभी से मौत हमारी पीछा कर रही है दोस्तों। और इन बेजुबानों को बचाने के लिए मैं सदैव तत्पर निरंतर दिन ब दिन लगा हूँ और बचाता भी हूँ दोस्तों। हमारी टीम भी बचाती है और ये दोस्तों शीतलाधाम चौकिया के जस्ट बगल में पड़ता है, तो नजरें जमा रखिएगा, निकाल के दिखाते हैं कि सांप है कौन सा, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। आइए फटाफट के अंदाज में आपको दिखाते हैं, प्लीज कम। दोस्तों अभी देख सकते हैं काफी पुराना कच्चा मिट्टी का मकान है दोस्तों, जहाँ पर इंसान रहते हैं, अपने रहन सहन को अक्सर बना के रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अनाजों का जमावड़ा हुआ है, तो क्योंकि जहाँ पर दोस्तों अनाज होता है और मिट्टी की दीवारें होती है, वहाँ पर ऐसे सांपों का रहन सहन तो काफी लाजमी है और ये बड़े आसानी से रह भी लेते हैं। ये दोस्तों कच्चे मिट्टी के जो मकान थे, ये उसका आंगन है, ये आप देख लीजिए, कच्चे मिट्टी के मकान के आंगन है ये। ब्रिटिश गवर्नमेंट जमाने के बाद से दोस्तों ऐसे घरों का निर्माण हुआ था जिसमें हमारा परिवार काफी सुकून और शांति के साथ और चैन के साथ रहता था। उसी में दोस्तों ये हमारा रसोई घर रहता था पहले, दोस्तों इसे रसोई घर हम कहते थे। और ऐसे रसोई घर में जो भोजन पकता था वो रसों से भरा रहता था। और आज दोस्तों हर घर में किचन रूम हो गया है और हर घर में दोस्तों किचाहिन है, बहुत ज्यादा तूतू मैं लफड़ा भरा हुआ है। अगर ये दोस्तों बात सच है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, सही बात है जी सर। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि किसने मुझे फोन किया और किसने देखा, उनकी सारी नाम पता मैं आपसे रूबरू कराऊं। अशोक कुमार बिन जो है दुधौरा ग्राम से है, थाना गोरा बासापुर जिला जोधपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें सांप कब देखा गया? आज देखा गया सर, आज ही देखा। हमारा नंबर कैसे आपको मिला सर जी? वो तो पहले से आपका जो है नंबर हम यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जी। चलिए दोस्तों हम इसे जरा खोद दिन करते हैं और निकालते हैं। अभी ये कुदाल है क्या? कुदाल नहीं, बस रुक जाइए, इधर आइए। अब ये हम उसके थोड़े से करीब में आ गए हैं, ये होंगे इसी में रहता ही है, इसका मतलब इसमें जगह नहीं। अच्छा इधर से भी मिट्टी डाले थे आप? इधर से भी डाला गया? हाँ, इधर से। अच्छा फिर किस चीज से इसको पैक किया गया? इसी लाठी से? हाँ। चलिए अभी हो गया ना, अभी एक बार अंदर से खोद देते। वो दोस्तों पानी आया है और यही इसकी नाली गई हुई है और इस दीवार से उस दीवार के बाहर की तरफ। और यही पर दोस्तों ये हमारे धर्मशास्त्रों के साथ एक पूजन अर्चन पूजा पाठ बना हुआ है, देवी देवताओं का एक मंदिर है छोटा सा घर के परिवार में, जहाँ से दोस्तों सुख और शांति मिलती है, अमनो चैन की प्राप्ति होती है। वो एक ऐसा स्थान है, ये लगभग दोस्तों सभी घरों में रहता है। आराम से आराम से सारा चीज तो आपको मिल जाएगा, ऊपर से ही लगा कर रखी है। अच्छा ये कहाँ तक होगा ये पूरा? सर वही है, बस ये दीवाले भर है। अच्छा एक काम करिए, उधर पैक किए होंगे ना? हाँ सर पैक है। उधर से धीरे से खोलना है, क्या चीज डाले हैं? सर वो जाली लगी, बाकी गीली मिट्टी। अच्छा गीली मिट्टी को हटा करके इसी लकड़ी से आप छेड़िए उधर से। शांति। तो चलिए दोस्तों अब ये जस्ट करीब में आने वाला है और नजरें जमाए रखिए दोस्तों। इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, इसे देख के आप समझ सकते हैं ये दोस्तों हमारे भारत का एक खासा सांप, इसे ही हम दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा बोलते हैं। भैया बोलना नहीं है, धीरे धीरे सर छेड़ते रहिए, बहुत धीरे धीरे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये निकलने के चक्कर में निकल नहीं पा रहा है, फिर उधर ही जा रहा है।
तो दोस्तों अब ये धीरे धीरे बाहर की तरफ आना चाहता है। चलिए दोस्तों आ चुका है। दोस्तों ये है हमारे भारत का एक ऐसा सांप दोस्तों, बाहर निकलना नहीं चाहता है। दोस्तों देख करके बड़ी हैरत की बात आती है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्थानों पे ये सांप दोस्तों आकर के छिप जाता है। इसके राउंडअप को देख सकते हैं, इस समय ये खुद छिपने की फिराक में, भागने की फिराक में लगा हुआ है, क्योंकि इधर से भी लोग खड़े हैं और उधर से भी लोग खड़े हैं। अब ये किधर जाए, जगह बहुत छोटी सी है और इधर भी लोग खड़े। शांति शांत रही। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये काफी बिग साइज का है। दोस्तों आप इसे देख के समझ सकते हैं, ये काफी बिग साइज का हमारे भारत का दोस्तों एक ऐसा सांप है ये। तो दोस्तों ये काफी इसमें गुस्से में है। तो दोस्तों ये ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही कच्चे मिट्टी के मकान में रहता है और दोस्तों अपनी भोजन के लिए बेचारा ये भी जगह जगह गली गली भटकता रहता है और इसे मालूम नहीं है दोस्तों मुझे कौन है बचाने वाला और कौन मुझे मारने वाला। ये छोटी सी छोटी जगहों में खुद जाकर के छिपता है। चलिए दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई और अब हम इसे यहाँ से उठा करके बाहर की तरफ लेके चलते हैं, लोगों को थोड़ा सा जागरूक करते हैं। चलिए इसको यहाँ से उठाते हैं। चलिए दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है और बदलते मौसम में ऐसे सांपों का निकलना तो आप समझ ही सकते हैं लाजमी है। अच्छा आप लोग पहले ये बताइए इसको कितना लोग भगवान मानते हैं, दूध लावा चढ़ाते हैं? आप एक चीज ये समझिए कि इतना भरा पूरा परिवार है हमारा, कभी किसी को नुकसान पहुंचाया? नहीं, नहीं, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जैसे इसके खाने पीने के लिए, इसके दूध के लिए क्या आप लोग 10-5 रुपए जो भी है चढ़ा सकते हैं? जिसके पास जो भी है अपने स्वेच्छा से आप लोग चढ़ाइए जरा, जल्दी करिए फटाफट। आप लोग इतना बताने के बाद इतना हो रहा है, अगर अभी किसी को काट लेगा तो सबके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे और 10-20 रुपया चढ़ाने में लोग सोच रहे हैं। जल्दी करिए भैया, हाँ भैया आज जान लीजिए जो भी यहाँ से पैसा चढ़ाएगा इनके ऊपर, उनके ऊपर शिव जी की बड़ी कृपा होगी और किसी को कभी सांप काटेगा नहीं आज के दिन। जी जी नहीं, जो दे उसका ज्यादा भला हो और जो ना दे उसका थोड़ा भला हो, बराबर कैसे हो सकता भैया? आप ही बताइए। हो गया भैया सब लोग चढ़ा चुके, इतनी भीड़ है, आइए फटाफट, देर मत कीजिए। अब इसके बारे में हम बताएं आप लोगों को क्या करना चाहिए। दूध ला रहे हैं, दूध है, दूध रख दीजिए, यही दूर ही रख दीजिए। हाँ गाँव में ऐसे ही होता है, लोग जो है सांप जब भी निकलता है भोले बाबा नाग बाबा को तो दूध पिलाने के चक्कर में। आज दोस्तों इस वीडियो को मैं आपको दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि गांव में काफ़ी लोग मोहब्बत से आते हैं और जब भी सांप निकलता है तो बोलते हैं कि आज शिव जी दूध पियेंगे और उनके लिए जो भी चढ़ा हुआ हो तो आप लोग चढ़ा दीजिए। और एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों, हमारे गाँव में उत्तर प्रदेश के लगभग भारत के कोने कोने बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर दोस्तों इनसे इतना ज़्यादा प्रेम लोग करते हैं कि दोस्तों दूध पीने के लिए शिव जी के प्रेम में दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और दोस्तों कि हमारे प्राण सही सलामत रहें, बचे रहें। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, अगर आप धर्म की नाम की बात करेंगे दोस्तों, इस तरीके से हमारे गांव के लोग, हमारी माताएं शिव जी को इतना लाइक करती हैं, इतना मानती हैं कि दूध के लिए, चढ़ावा के लिए
ट्रस्ट के नाम पे, मंदिर के नाम पे सारी चीजें समर्पित करती हैं। दोस्तों इसका नाम है, इंग्लिश में इसको इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा बोलते हैं। सुनाई दिया आपको, इसको क्या बोलते हैं सुनाई दिया ना? ये कह रहे थे कि सब लोग दवा पिलाने ले जाते हैं, इसके लिए कुछ बताइए। बता रहे हैं दोस्तों, जो दवा पीने के लिए लोग जाते हैं, एक कोबरा होता है एक करैत होता है। जो जहरीले सांप नहीं होते हैं, दो चार जहरीले हैं, और बाकी जैसे रेड स्नेक हो गया जिसे हम धामिन कहते हैं, एक पानी वाला सांप होता है जिसे हम डोढ़ा कहते हैं, और एक होता है दोस्तों जिसे हम चेकर्ड कील बैग बोलते हैं, सेंड बोवा सांप बोलते हैं, एक हमारे गांव में दोस्तों दो मुहा सांप, गूगी सांप उसको बोलते हैं, वो होता है, एक होता है बिस्खोपड़ा, एक होता है गोंजर, एक होता है बिच्छू। तो दोस्तों जो जहरीले नहीं होते हैं उनके काटने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लोग जाते हैं दवा पीने के लिए और वो बच जाते हैं, वहीं से एक अंधविश्वास तैयार होता है। दोस्तों इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम जहर होता है, जब ये सांप काट लेता है तो दो दांत के निशान होते हैं, बहुत तेजी से दर्द होता है, सूजन बढ़ती है और आंखों से धुंधलापन दिखाई देता है। 40 से 50 मिनट जाते जाते इंसान की मृत्यु हो जाती है। जैसे दोस्तों अगर एंटी वेनम इंजेक्शन नहीं मिला तो, दोस्तों हमारे भारत में बहुत सा अंधविश्वास फैला है कि जब भी ऐसा सांप अगर काटता है तो आप सीधा हॉस्पिटल जाइए, कोई झाड़ फूँक के चक्कर में मत पड़िए, कोई तंत्र मंत्र नहीं होता है, आप सीधा सदर हॉस्पिटल अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, जहाँ पर स्नेक एंटीवेनम रहता है, हमारे आपकी प्राणों की रक्षा करता है। किसी माता जी ने दोस्तों ये आप देख लीजिए दूध ला करके रखा है, और ये सब पैसे चढ़े हुए हैं दूध पिलाने के लिए। जो दूध लाए हैं माता जी, कहाँ हैं वो? आप लाए हैं? अच्छा, यहाँ खड़े हो जाइए, बस खड़े होके फिर चले जाइए। दोस्तों इनका इतना ज़्यादा आस्था है शिव जी से, ये दूध पिलाने के लिए प्लस 150 रुपये भी ला करके इन्होंने चढ़ावा चढ़ाया, दूध के लिए शिव जी को दूध पिलाएंगे, और दूध भी ला के रख दिए हैं। चलिए दोस्तों आप अगली चीज़ें मैं एक बताता हूँ कि सांप दूध कभी पीता ही नहीं है, ठीक, सांप दूध नहीं पीता है। दूध कौन पीता है? दूध हम लोग पीते हैं, ये लोग दूध पीते हैं, जितने जहरीले जीव होते हैं वो दूध नहीं पीते हैं। ये कोबरा सांप है, ये दूध नहीं, ये मांसाहारी है। घर के अंदर दोस्तों ये रहता है, इसका पसंदीदा भोजन चूहा है। जब ये चूहा को खाने के लिए घर में आता है तो माताएं बहुत सारा कूड़ा कबाड़ सामान रखती हैं, उसी में चूहा भाग के जाता है और ये उसी को खाने के लिए पीछे पीछे लगा रहता है, रात में निकलता है, इसी को निशाचर भी कहते हैं क्योंकि ये रात में भ्रमण करता है, जैसे ही पैरों से दबेगा तो अपने बचाव के लिए काट लेगा। हाँ जी, तो दोस्तों अंधविश्वास को भगाने के लिए हमारे भारत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसे पैक करते हैं और इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। दोस्तों ये हो गया इसका बैग, इसमें हम पैक कर देते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम पैक कर देते हैं। क्यों भाई अंदर जाना मना है? दोस्तों इस तरीके से नहीं जा रहा है, कष्ट के लिए खेद है, इस वीडियो को देख आप काफी नहीं कीजिए। दोस्तों वैसे इसके काटने के बाद तो कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है, जैसे इलाज नहीं हो सही टाइम पे तो। कोई एक लोग इकट्ठा नहीं हुआ। दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये हमारी मेहनत है सांपों को बचाने के लिए, और दूध के नाम पे ये चढ़ावा आ गया है, ये भी आप देख लीजिए। अभी तो इसमें तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं, मैं तो बड़ा आदमी हो गया हूँ अब। तो दोस्तों चलते चलते मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी आपने इस वीडियो को देखा है, वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि इस प्रकार से दोस्तों लोग गाँव में आते हैं और दुनिया भर का ढोंग फैलाते हैं, वो ये सरसों है तो ये हड्डी है तो वो मंत्र है, ये तंत्र है, इतना पैसा चढ़ाइए, ये दूध के नाम पे चढ़ाइए। एक मिनट माता जी। हाँ दोस्तों अब ये देख लीजिए, माता जी दूध ला दी हैं पीने के लिए, ये भी आप देख लीजिए, ऐसी होती हैं दोस्तों मेरे गांव की माताएं होती हैं, मेरी बहनें होती हैं,
हम लोगों की सेवा के लिए, खिदमत के लिए, इज्जत के लिए अगर आप कह दीजिए तो सब कुछ निछौर कर देती हैं। दूध लाई हैं पिलाने के लिए, अभी आप रखिए 2 मिनट। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा, कोई भी चढ़ावा सांपों के ऊपर न चढ़ाएं। दोस्तों सांप पत्थर की मूर्ति में अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। तो दोस्तों लोग आते हैं दरवाजे पर, पैसा चढ़ाओ, ये करो वो करो, ये बिल्कुल ना करें। ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था, कैसा लगा आपको कमेंट करके दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों इस पैसे को मैं क्या करूँगा, गरीबों में दोस्तों मैं ले जा करके वापस डोनेट करता हूँ। वीडियो अगर आप देखते हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए।